हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ की SST की बुक का पार्ट नंबर 2, दिल्ली से भारत की ओर। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को पढ़ना। अनु आज बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा जी भारत भ्रमण के बाद लौट रहे हैं। अनु नाम की एक लड़की है जो कि आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके चाचा जी भारत भ्रमण के बाद लौट रहे हैं। बच्चों, भारत भ्रमण का मतलब होता है भारत की सैर। तो अनु दिल्ली में रहती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का दिल है। भारत का दिल का मतलब है कि नई दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अनु अपने चाचा जी से भारत भ्रमण की पूरी कहानी सुनना चाहती है और अनु चाहती है कि उसके चाचा उसको भारत की सैर की पूरी कहानी सुनाए। विद्यालय से अनु जब घर पहुंची तो उसने देखा कि परिवार के सभी सदस्य चाचा जी को घेर कर बैठे हैं। चाचा जी उन्हें भारत के प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं और चाचा उसके परिवार के सदस्यों को भारत के प्रदेशों यानी भारत के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। अनु भी चुपचाप अपना बस्ता रख कर उनमें शामिल हो गई। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सभी राज्यों तथा नगरों के लिए रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। चाचा ने बताया कि नई दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लगभग सभी राज्यों और शहरों के लिए रेलगाड़ियाँ मिल जाती हैं। भारत भ्रमण रेलगाड़ी द्वारा करने का अलग ही मज़ा है। अगर हम रेलगाड़ी से भारत की सैर करते हैं तो उसका अपना अलग ही मज़ा है क्योंकि रास्ते में हम कई सारे इलाकों से होकर गुजरते हैं और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब रेलगाड़ी में बैठे बैठे हम कई सारे शहरों से और नगरों से होकर के गुजरेंगे तो हमें उन सब के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा सबसे पहले वह उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में पहुँचे और चाचा ने बताया कि दिल्ली से जब उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी तो वह सबसे पहले उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में पहुँचे। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। बच्चों, यह एक पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पहाड़ हैं। हम यहाँ पर आपको दिशाओं के बारे में बता दें बच्चों कि ये चार दिशाएं होती हैं। यह दिशा होती है उत्तर, यह दिशा है दक्षिण, यह दिशा पूर्व है और यह दिशा पश्चिम है। तो जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वह उत्तर दिशा में है और पहाड़ी प्रदेश है। अब देखिए, यहाँ पर चारों ओर ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, कई तो बर्फ से ढके हुए थे। श्रीनगर इस राज्य की राजधानी है और यह डल झील के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर डल झील है जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। फिर देखिए बच्चों, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गर्मियों में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पहाड़ियाँ हैं तो इस वजह से यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है और गर्मियों में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं क्योंकि गर्मियों में हम ठंडे प्रदेशों में घूमने जाते हैं ताकि हम गर्मी से बच सकें। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लहलहाते चिनार के वृक्ष तथा डल झील इस प्रदेश की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं, हरे भरे चिनार के पेड़ दिखते हैं और डल झील भी दिखती है। ये सब यहाँ के दृश्य को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। सैलानी यहाँ की बर्फीली व सुंदर वादियों का तथा ठंडी ठंडी जलवायु का मज़ा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। सैलानी का मतलब होता है बच्चों वो लोग जो घूमने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बर्फीली और सुंदर वादियाँ यानी सुंदर दृश्य देखते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा भी लेते हैं। जम्मू कश्मीर सेब, आड़ू व खुबानी के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपने धार्मिक स्थलों जैसे वैष्णो देवी मंदिर व अमरनाथ गुफा के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा भी जम्मू कश्मीर में ही है। रेलगाड़ी द्वारा जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य आते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम दक्षिण पश्चिम यानी इस दिशा में आएंगे तो इस दिशा में आने पर हमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य मिलते हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र का मुंबई नगर तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर नगर को सवाई जयसिंह ने बसाया था। एक राजा थे सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा जयपुर। अहमदाबाद नगर अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद, वहाँ पर सूती कपड़े बनते हैं।
मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित एक महानगर है। अरब सागर के तट पर मुंबई शहर है और यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह हिंदी फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हिंदी की फिल्में भी बनती हैं। यहाँ कई अन्य उद्योग भी हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग व चीनी उद्योग। बच्चों, यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ और भी हैं। उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ। मुंबई में और भी कई फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे सूती कपड़े की फैक्ट्री और चीनी की फैक्ट्री। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही स्थित है। एक इमारत है गेटवे ऑफ इंडिया, यह भी मुंबई में ही है। यह भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। और बच्चों, मुंबई में भारत की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। फिर देखिए, मुंबई से रेलगाड़ी द्वारा पूना से होते हुए हम पहुंचते हैं कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु में। आप देखिए, मुंबई से रेलगाड़ी में बैठे हम पूना शहर गए और वहां से होते हुए हम कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु में पहुंचते हैं। मुंबई से बंगलुरु तक सीधे रेलगाड़ी नहीं जाती है, इसीलिए हम लोग पहले पूना जाते हैं। पूना महाराष्ट्र राज्य का ही एक नगर है। पूना भी महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है। मुंबई से इसकी दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। बंगलुरु का सुहावना मौसम हमारा स्वागत करता है। बंगलुरु का मौसम बहुत अच्छा होता है। यहाँ का मौसम वर्ष भर बहुत सुहावना होता है और यहाँ पर साल भर एक जैसा ही बहुत अच्छा मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंड। भारत के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। और बच्चों, बेंगलोर में कंप्यूटर की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का बहुत सारा काम होता है। कंप्यूटर का काम करने वाली फैक्ट्रियों को ही हम IT उद्योग कहते हैं और इसी कारण हम बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, बंगलुरु से हम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में है। बच्चों देखिए, भारत का ही नीचे का हिस्सा यह रहा, यहाँ पर जो है तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर सबसे जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर है कन्याकुमारी। हम बंगलुरु से यहाँ तक पहुँच गए। कन्याकुमारी में तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। और बच्चों, ये जो जगह है कन्याकुमारी, यहाँ पर तीन समुद्र आकर के मिलते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में यहाँ अरब सागर है। और दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों महासागर का पानी यहाँ पर आकर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें बच्चों, हम तीनों तरफ पानी से घिरे रहने के कारण भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप कहलाता है। इसीलिए भारत का जो दक्षिण भाग है, जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप बच्चों वह भूमि का भाग होता है जो कि तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तीनों तरफ से अलग अलग पानी आकर जब यहाँ मिलता है तो यहाँ का नज़ारा देखने योग्य होता है। जब तीनों जगह से यहाँ पर आके पानी मिल जाता है कन्याकुमारी पर, तो यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर लगता है। यहाँ का कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद शिला बहुत ही सुंदर एवं प्रसिद्ध है। बच्चों, यहाँ पर ही कन्याकुमारी मंदिर है और विवेकानंद शिला है। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मशहूर है। विवेकानंद शिला का दृश्य आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर देखते हैं बच्चों, कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर रेलगाड़ी हमें चेन्नई पहुँचा देती है। अब देखिए बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा यह वाली दिशा होती है। जब हम कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तब हम चेन्नई पहुंचते हैं। यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। क्या आपको याद है मुंबई किस सागर के किनारे बसा हुआ है? बच्चों, मुंबई नगर जो है वह अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह चेन्नई बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह भी एक महानगर है, यानी एक बहुत बड़ा शहर है। यह नगर भी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई में भी फिल्में बनाई जाती हैं और इसीलिए यह प्रसिद्ध है। चेन्नई से उत्तर की ओर चलकर अब हम पहुंचते हैं हैदराबाद। चेन्नई से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं तब हम हैदराबाद शहर में पहुंचते हैं। अब जानते हैं हैदराबाद के बारे में। यह तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजधानी है। बच्चों, हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त राजधानी है। संयुक्त मतलब एक ही राजधानी है। यह चारमीनार व गोलकुंडा किले के लिए प्रसिद्ध है। और हैदराबाद में ही चारमीनार और गोलकुंडा का किला भी है।
जानते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद हीरे और मोती के व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, यानी यहाँ पर हीरे और मोती का व्यापार या बिजनेस किया जाता है। यह महानगर आईटी व दवाई कंपनियों के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बच्चों, यह शहर दवाई और आईटी फैक्ट्री के लिए, आईटी उद्योग के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हैदराबाद से उत्तर पूर्व की ओर रेलगाड़ी द्वारा हम कोलकाता पहुँचते हैं। यह नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। बच्चों, कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, और यह जो हुगली नदी है यह गंगा नदी की एक शाखा है, यानी गंगा नदी में से ही एक नदी निकलती है जो कि हुगली के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। यह पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इस महानगर में दुर्गा पूजा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और बच्चों कोलकाता में ही हम दुर्गा पूजा को बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। दुर्गा पूजा में हम क्या करते हैं बच्चों, दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिनों में कोलकाता नगर की सुंदरता देखते ही बनती है, और जब दुर्गा पूजा होती है तो वहाँ पर 9 दिनों तक कोलकाता शहर को बहुत सजाया जाता है। चारों ओर पंडाल, रोशनी और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, और हर तरफ क्या होता है बच्चों, रोशनी ही रोशनी होती है और दुर्गा माता की मूर्तियां यानी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अब क्या हुआ बच्चों, सभी नगरों की जानकारी के बाद अनु ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मेरी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश से घूम कर आई है, वह कहाँ है, क्या आप वहाँ घूमने नहीं गए? फिर अनु कहती है कि उसकी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश में रहती है। फिर चाचा से कहती, चाचा वहाँ घूमकर नहीं आए? चाचा जी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश तो उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी अरुणाचल प्रदेश अगर दिशाएं ऐसी बना दें तो अरुणाचल प्रदेश इस उत्तर पूर्व यहाँ दिशा में स्थित है। वहाँ भारत के साथ बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और भारत के इस उत्तर पूर्व में दिशा में 7 बहुत खूबसूरत राज्य हैं और ये पहाड़ों से घिरे हुए हैं, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। लेकिन इस बार वो उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर नहीं जा पाए क्योंकि वर्षा शुरू हो गई है, और वहाँ पर चाचा इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। वर्षा वाले दिनों में वहाँ यात्रा करना कठिन हो जाता है क्योंकि वह एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है। मूसलाधार वर्षा के कारण सड़कें टूट जाती हैं और आवागमन बाधित होने लगता है। मूसलाधार यानी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो सड़कें टूट जाती हैं और आना जाना मुश्किल हो जाता है। चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद में अब हम करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। नीचे दी गई तालिका में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुछ नगरों की दूरी दी गई है। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका यानी टेबल दी गई है, यहाँ पर कुछ शहरों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ उनकी दूरी लिखी गई है कि वो दिल्ली शहर से कितना दूर हैं। जैसे जम्मू तवी शहर दिल्ली से 585 किलोमीटर दूर है। आपको इसमें क्या करना है कि जब हम नई दिल्ली से जम्मू तवी की तरफ जाएंगे तो हमारे रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। चलिए करते हैं। जम्मू तवी जाने में रास्ते में आएंगे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य। मुंबई जाते समय रास्ते में आएंगे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। जब हम चेन्नई जाएंगे तो बीच में पड़ेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कोलकाता जाते समय रास्ते में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य पड़ेंगे। कन्याकुमारी जाएंगे तो रास्ते में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पड़ेंगे। इसी तरह हैदराबाद जब जाएंगे तो रास्ते में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य पड़ेंगे। गुवाहाटी जाते समय उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल पड़ेंगे। और बंगलुरु जाते समय रास्ते में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पड़ेंगे। अब देखिए इस प्रश्न के कुछ भाग दे रखे हैं। पहला, दिल्ली से सबसे दूर स्थित स्थान का नाम व दिशा बताइए। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें नई दिल्ली से सबसे दूर कौन सा शहर है। हमने देखा कि इसमें सबसे दूर शहर जो है वो है कन्याकुमारी, क्योंकि इसकी दूरी नई दिल्ली से 2742 किलोमीटर है, जो इन सब में सबसे ज़्यादा है, और कन्याकुमारी दिल्ली के दक्षिण दिशा में है। हम उत्तर लिखते हैं कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणी दिशा में है। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। दिल्ली से सबसे निकट स्थित स्थान का नाम व दिशा बताइए। अब उस तालिका में देखा हमने तो हमें पता चला कि जम्मू तवी दिल्ली से सबसे निकट है और यह उत्तर दिशा में है।
अब प्रश्न 3 में देखिए, सभी नगरों को दूरी के आधार पर क्रमानुसार लगाइए, पहले सबसे पास फिर सबसे दूर। अब जो तालिका दे रखी थी उस तालिका में से आपको देखना है और बताना है कि दिल्ली के सबसे पास कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है, और आपको दूरी के आधार पर यानी बढ़ती हुई दूरी के आधार पर शहरों को लगाना है, जो कि हमने इस तरह लगा लिया, जम्मू तवी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलुरु, चेन्नई और कन्याकुमारी। इसका मतलब हुआ कि जो लिस्ट यानी जो टेबल हमें दी गई थी उसमें जम्मू तवी शहर सबसे पास में है और कन्याकुमारी सबसे दूर है। अब अभ्यास के प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। इनमें एक प्रश्न दे रखा है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। जैसे कौन सा नगर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है, हमने पाठ में पढ़ा था कि जयपुर नगर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा भाग देखिए, कोलकाता नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। तीसरा देखिए, श्रीनगर किस राज्य की राजधानी है, बच्चों इस पाठ में राज्य दिया गया है जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा खत्म करके उसको संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, तो इसको पुराने जानकारी के आधार पर हम लिखेंगे कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है, परंतु अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चौथा भाग देखिए, भारत में कौन सा नगर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, बच्चों भारत में बंगलुरु शहर जो कर्नाटका में है वह सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि सिलिकॉन वैली नाम कैसे पड़ा, बच्चों सिलिकॉन एक पदार्थ होता है जो कंप्यूटरों में इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे देश में बंगलुरु शहर में कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पर कई सारे ऑफिस हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो कंप्यूटर या कंप्यूटर पर आधारित काम करती हैं, इसीलिए बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 2 में क्या है, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और यहाँ पर राजधानी दी गई है, आपको राज्य को उसकी सही राजधानी से मिलाना है। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मिला दिया हमने, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, हमने इनको मिला दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में रिक्त स्थान है, इनको पूरा करना है। पहला देखिए, श्रीनगर की डल झील विश्व प्रसिद्ध है, प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। पाठ में हमने बताया था कि कोई भी ऐसी भूमि जो कि 3 तरफ, 1, 2, 3 तीन तरफ पानी से घिरी हो या समुद्रों से घिरी हो वह प्रायद्वीप कहलाती है। हमारा भारत देश भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि हमारे भारत देश के भी 3 तरफ पानी है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, इसीलिए भारत की भूमि को हम प्रायद्वीप की भूमि कहते हैं। तीसरा देखिए, मुंबई महानगर में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं, पाठ में पढ़ा था हमने। और देखिए चौथा, इसका दुर्गा पूजा पर्व कोलकाता में धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरा देखिए, किस राजा के नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा, बच्चों राजस्थान के एक राजा हुए हैं सवाई जयसिंह, उनके नाम पर नगर का नाम जयपुर पड़ा। तीसरा देखिए, मुंबई नगर किस सागर के तट पर स्थित है, पाठ में हमने पढ़ा था कि मुंबई नगर अरब सागर के तट पर स्थित है। अब देखिए, मानचित्र वाला यानी नक्शे का कार्य है, आपको भारत का एक राजनीतिक मानचित्र लेना है और उसमें दिल्ली, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बंगलोर और हैदराबाद, इन 8 नगरों को दर्शाना है। ये देखिए हमने एक मानचित्र ले लिया है और इसमें हमने देखिए दिल्ली को दर्शा दिया, श्रीनगर ये रहा, जयपुर ये रहा, चेन्नई ये है, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और बंगलुरु, हमने इन 8 शहरों को दर्शा दिया है। आप भी मानचित्र में इसको कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ और उसके प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं।